Good morning, students. I am Utpal Sir, and I hope all of you are very well with your parents. And at present, I knew that you have to stay at your home with your parents for COVID-19 due to lockdown all over our India. So, and you have already knew that as per your kind request, I have been taking online classes from the first day of lockdown as per your kind request on behalf of our Just Telegraph Training Center, Srirampur Smart Center. So students, tum log jo CPA Certified Professional Accountant ye jo course hai hamara Just Telegraph Training Center, Srirampur Smart Center ke mein, to ispe jo course hai, तो उसको है उसको हम उसमें तुम जो एडमिशन लिए हो कुछ ही महीने पहले, तो उसके बाद से हम लॉकडाउन के शुरू से जो क्लास ले रहे हैं उसमें पिछले क्लास में हम दिखाए थे जे ट्रेडर क्या है. ट्रेडर टुडे इन आवर मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट देयर आर मेनी काइंड ऑफ बिजनेसमैन. नंबर वन लाइक ट्रेडर्स, नंबर टू मैन्युफैक्चरर, नंबर थ्री रिटेलर, नंबर फोर होलसेलर एंड होलसेलर एक्सेट्रा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट क्लास व्हाट डू मीन बाय ट्रेडर्स और हु इज ट्रेडर्स. तो ट्रेडर्स में हम दिखाए थे कि ट्रेडर्स ये डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, वो मैन्युफैक्चरर से ये प्रोडक्ट लेके रिटेलर को और डायरेक्टली टू कस्टमर को सेल करता है. तो इस क्लास में हम दिखाएंगे कि स्टेज ये जो ट्रेडर का जो अकाउंट्स का मेंटेन करने का जो स्टेज है वो देयर आर फोर स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए ट्रेडर. तो फाइनल अकाउंट तक किसी ट्रेडर कंपनी को फाइनल अकाउंट्स तक जाने के लिए, फाइनल अकाउंट्स तक कैलकुलेशन करने के लिए और बुक ऑफ रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कितना स्टेज मेंटेन करना पड़ता है वही हम दिखा रहे हैं. नंबर वन ट्रेडिंग अकाउंट्स. ये ट्रेडिंग अकाउंट्स वो ट्रेडर लोग क्यों करते हैं ना, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज डिटरमाइंड बाय दिस अकाउंट. तो इस अकाउंट्स में क्या कैलकुलेट होता है, आइदर द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कंपनी ऑफ दैट कंपनी और ग्रॉस लॉस ऑफ दैट कंपनी इज डिटरमाइंड बाय दिस अकाउंट. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है. तो क्या इसका जरूरत क्या है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज डिटरमाइंड बाय दिस अकाउंट. इसका मतलब है इस अकाउंट्स के जरिए उस कंपनी का ट्रेडर्स कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है और नेट लॉस कितना है वही आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट नंबर सी, तीनों नंबर को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स. ये अकाउंट्स अगर सोल प्रोप्राइटर्स और सिंगल सोल ट्रेडर्स और सोल प्रोप्राइटर्स और सिंगल ट्रेडर्स और सिंगल प्रोप्राइटर इस टाइप का कोई प्रोप्राइटर हो तो इस अकाउंट्स को नहीं बनाना पड़ता. इसको ये पार्टनरशिप जो है उसमें बनाना पड़ता है. तो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन शेयर बाय द अकाउंट्स. सो इज सोल बाय द अकाउंट, दिस इज नॉट प्रिपेयर्ड सोल ट्रेडर्स ऑल. इसका क्या मतलब है, इसमें अगर जितना कंपनी में जितना प्रोप्राइटर है और जितना पार्टनर्स तो उस पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है उसको दिखाना है यहाँ पे. नेक्स्ट बैलेंसिंग, तब जाके ये बैलेंसिंग कुल मिला के ये फाइनल अकाउंट कंप्लीट होगा. नेक्स्ट बैलेंसिंग, बैलेंसिंग क्या है, फाइनल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज नोन बाय द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. तो फाइनल अकाउंट क्या है, फाइनल अकाउंट का मतलब है फाइनल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज नोन बाय द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. तो ये सारे स्टेज ये फोर स्टेज कंप्लीट करने के बाद उसको फाइनल अकाउंट तैयार हो जाते हैं किसी ट्रेडर कंपनी. अब इसके बाद जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी
स्टेज है अकाउंट्स का, वो हम दिखाएंगे, देखते रहो।